तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुभराज ग्रुप में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर राजीव सर है। राजीव सर हेलो, सबको नमस्कार। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अभी मार्च एंडिंग चल रहा है और राजीव सर अभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही बिजी है। तो राजीव सर हमें कुछ बात मिली है मैनेजर से कि आपकी पत्रकार से कुछ क्षति में हुई थी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सर आज संडे है तो आज मिल बंद है आपकी फैक्ट्री? आज फैक्ट्री बंद रहता है, संडे को हम बंद रखते हैं। ऐसा है, और एक सप्ताह में जो लेबर है उनको एक दिन तो वर्कर को छुट्टी चाहिए। जी 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 और अजीत सर आपके फैन बहुत सारे पूछ रहे थे कि अजीत सर आ नहीं रहे वीडियो में, तो बार बार वीडियो में आते हैं तो भी बोलते लोग रहे हैं, तो ऐसा ही है। और अभी टाइम भी नहीं था अपने पास में, मैं पहले ही बता चुका था कि अपन थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम आए और बार बार क्या भी नया नया लेके आएंगे। अभी आप पत्रकार वाला नया मामला लेके आए तो उसके बारे में बात कर लेंगे अपन। तो गाइस अभी अजीत सर से पूछते हैं कि जो आपके पास पत्रकार आया था और आपकी तूतू में कुछ हुई थी, तो आखिर वो क्या हुआ था, पूरी डिटेल में बता सकते हो अपने दोस्तों को और हमें भी? अभी बात ऐसे है फिलिप भाई कि कोई भी आता है, मैं आपको फिलिप भाई और दिनेश गावित को मैं पहचानता हूँ, लेकिन मैं कोई आदमी आता है उसको एंट्री देने से पहले या फिर माइक हाथ में लेके आते कोई टीवी चैनल का, तो उसको हम पहले आइडेंटिटी मांगते हैं। माइक पे तो किसी का भी लिखा है एबीपी न्यूज ऐसा, लेकिन उसका आइडेंटिटी भी देखना जरूरी होता है। तो भाई मैं बुलाया उनको, कुछ इशू नहीं, आ जाओ। तो मैंने सुब्रत के ऑफिस पे आया, मैंने बताया उसको कि सर आपका आईडी मुझे बताओ ऐसा। तो फिर ठीक है सर, बताते हैं ऐसा बोला, पानी पिलाया, चाय भी पिलाया, फिर उन्होंने बाइट चालू किया। तो भी मैंने उसको एक बार फिर से बोला था सर आपका आईडी, तो बोला सर देते हैं। फिर बाइट चालू किया तो उसमें मेरे को एक क्वेश्चन किया कि सर आपके सुब्रत के नाम से 40 करोड़ का टेंडर हुआ था, तो बोलना है लोगों का कि ये फेक है, मतलब डुप्लीकेट करके टेंडर पास करवाया है। अभी तो मैंने पूछ लिया पत्रकार भाई से, भैया आपके पास एविडेंस है ये इनलीगली हमने टेंडर पास किया है तो मुझे बता दो, या फिर है ना आप सही जानकारी लेके मेरे पास में आ जाओ, मैं जरूर आपको कोऑपरेट करूँगा। लेकिन ये बात पे सहमत नहीं है, वो बात मुझे मत पूछो, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं तो हमारे ऊपर तुम इल्जाम या एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात पर उसने ये पूछ लिया फिलिप भाई कि बोले आपने 25 लाख के करीब करीब में है ना ये देवमगरा आपका कुल देवता है, देवमगरा है ना माता का मंदिर, मैं वहाँ आप दान कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो वो पैसा आपका बेनिफिट में है, प्रॉफिट में है, या कहीं से लोन लिया है, या ये पैसा कहाँ से लेके आए, ऐसा बोल दिया उसने। तो उसको बोला भैया आप ये साइड में छोड़ दो, आपका आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, मेरा दिमाग मत गर्म करो, आपको जितना पूछा है वो मुझे बता दो, मेरे कुल देवती, मेरा आदिवासी कुल देवता देवमगरा माता है, वैसे हर एक को समाज में एक कुल देवता होता है, कुल देवती होता है, उसका मंदिर होता है, भगवान होता है एक जात का, तो उसमें वो दान करना या लोगों के लिए रैन बसेरा बनाना वो गलत नहीं है, वो हमारे हम कहाँ से चोरी करके क्यों नहीं लेके आए, पत्रकार लोगों को क्या काम है, आपको जो सही जानकारी लेके आओ ना, उनको पूछो ना, हम रेडी है आपको बताने के लिए। तो उसको जो डिटेल मिली थी सर वो कहाँ से मिली थी पत्रकार को? फिर लास्ट में उसको मैं गरम हो गया, मेरे भी दोस्त बैठे थे अगल बगल में, तो उन्होंने फिर उनको धक्का मार के बाहर निकल दिया। मुझे ठीक नहीं लगा कि उसको भी मैं बार बार बोलना रिक्वेस्ट किया, फिर भी वही पूछ रहा था, तो फिर मेरे दोस्त बैठे थे उन लोगों ने बोला आप यहाँ से जाओ नहीं तो पुलिस बुलाएंगे और आपको है ना उठा के ना पुलिस स्टेशन में भेज देंगे, ऐसा वैसे बोल के थोड़ा झकमक हो गई थी। फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि आपके गांव से हमको है ना एक किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था सर, आप इतने अच्छे लोग थे वो मुझे पता नहीं था, सॉरी माफ करना, ऐसा करके गए हैं, मेरा नंबर भी लेके गए। फिर मुझे सुबह में जाते ही फोन किया, 3 बार फोन किया नंदुरबार पहुँचते पहुँचते, सॉरी सर हम माफी चाहते हैं, आप तो इतने अच्छे लोग हैं तो आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम गलत इन्फॉर्मेशन हमको मिला था उसके वजह से यहाँ आके बोला। हाँ सर एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी शुभराज की 4 बैंड है और पेट्रोल पंप है और आपकी कंपनी है, तो मैंने अभी तक आपके गांव से कोई भी लड़का यहाँ पर काम करते हुए नहीं देखा, इसमें आप नहीं बुलाते या फिर वो काम पर नहीं आते, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अभी बार बार दिनेश भाई बार बार मैं बताता हूँ, जिसको रोजगार चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। अभी मेरे पास मैं बिहार से लोग या मैं छत्तीसगढ़ से लोग हमारे कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है अगर ये लोग काम करेंगे तो,
गांव वाले को काम देने के लिए तो हम प्रतिबद्ध है, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है। और आते हैं, आपको भी मालूम है, जो टिंग जो बैंड में मैं बुलाया था लड़के लोगों को गांव वाले, तो वो रोज रोज प्रैक्टिस करने के लिए 100-100 रुपया रोज से पैसा मांग रहे थे। अभी वो तो नहीं बोल सकते, अभी दूसरे लोग इतने दूर से काम बैंड में आ रहे हैं, पेट्रोल पंप में भी आ रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका मनसा ही काम करने का नहीं, उनको कैसे बता सकते हैं हम। और हम ऐसा भी नहीं कि हम बाहर ही मदद करते हैं, गांव वाले को पहले देखते हैं, कोई भी छोटा बड़ा है कुछ भी काम लेके आते हैं तो उनका मना नहीं करते हैं हम, आप सबको मालूम है। फिर लेकिन फिर भी ये गांव में जो मैं हमारा जो गांव है, मैं किसी के ऊपर तो इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा गांव कभी यहाँ तालुका में नहीं देखा है मैंने अभी तक। लोग यहाँ से 100-200 किलोमीटर काम पे जाते हैं, यहाँ अपने नज़दीक में काम है मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, वो देखते नहीं पूरा दिन। आपने देखा होगा कितने लोग वहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा जो मेरे घर पे आते हैं या मेरे बंगले पे, उससे पहले आते वक्त आपने देखा होगा कितने सारे हैं ना ताश खेलते बैठते हैं लोग। फिर उन लोगों को हम क्या बता सकते हैं, वहाँ जाके तो बोल नहीं सकते। जिसको काम परिवार चलाना, जिसको रोजगार चाहिए, तो हमको संपर्क करें, आके मिले। अभी इतनी बड़ी मिल में मेरा वहाँ का मिल में सुबराज में सिर्फ 4 लोग है, एक अकाउंटेंट लड़की है वो हमारे गाँव की है, 2 मैनेजर है वो गांव के हैं, 3 ही लोग हैं और बाकी सबके हैं। और सर यहाँ मिल पर कहाँ से लोग हैं, बिहार से या? ये छत्तीसगढ़ से भी है और बिहार से भी है और दूसरे है, अपने लोकल लोग भी मैं लाया हूँ, क्योंकि अपना कोशिश रहता है कि हम हमारे समाज को काम दे ऐसा करके। लेकिन हमारे वाले 5 ही दिन काम करते और 2 दिन गैप गिरा देते हैं, तो उसमें भी छुट्टी गिरा देते हैं, उसमें हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो लंबा मशीन है ना वहाँ पे बाहर, वो लंबा मशीन में हमारे वाले है, वो दो में से एक नहीं आया तो पूरा फैक्ट्री बंद हो जाता है। सही बात है, सही बात। अभी मैं बैंक लोन से लेके सब चीज हमको देखना पड़ता है। अगर ये फैक्ट्री बंद रहेगा, फैक्ट्री ही बंद रहेगा, तो फिर हम पॉसिबल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बैंक क्रॉप हो जाएंगे, लोन बैंक छोड़ेगा हमको, महीने का इंस्टॉलमेंट रहता है। सही। तो सर हम गए थे मिल पर और वहाँ पर हमने सुब्राज 4 का जो कीबोर्ड है वो अनबॉक्सिंग किया था और कुछ सरप्राइज आने वाले हैं नए लुक में, अपने बैंड बनने वाले हैं नया लुक में। अगे 9 अगस्त को एक बैंड नया बना के लेके आएंगे, है उसमें से ही नया मॉडिफाई करके लेके आएंगे, बाकी उसको अपन मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन जो मेरा पहले बैंड है 1 नंबर वाला, वो बैंड अपन एकदम कम्प्लीट बना के लेके आएंगे 9 अगस्त को। 9 अगस्त नया बैंड मतलब 5वीं बैंड आने वाली? नहीं, 5वीं बैंड नहीं आएगी, मैंने पहले ही बता दिया। ये बैंड के चक्कर में है ना अपना रेपुटेशन डाउन होता है। अभी दूसरा बैंड देखो, ये कौन सा बैंड है वो MJ Star। कुछ मामला बना है जी। मैं बात भी किया पॉलिटिशियन में, लेकिन जयेश भाई फोन नहीं उठा रहे हैं, उनके साथ में बात करके फिर क्या है मामला भी देखते हैं। बोले हम महाराष्ट्र के है तो क्या हुआ, बैंड वाले को हेल्प नहीं करेंगे तो किसको हेल्प करेंगे, मेरा बैंड उसका बैंड करके अपन यही झगड़ा करते बैठेंगे, क्या मतलब रहेगा। और सर अभी बोर्ड की एग्जाम चल रही है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है, कुछ गवर्नमेंट का कुछ एक्ट आया है, रूल्स है, उसको फॉलो करो। अगर जबरदस्ती कोई मालिक बुलाता है और बजवाता है तो उसके सब कुछ है ना लिखवा लो उसके हाथ से, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो बैंड छुड़ा के दे या बैंड उसको कुछ भी बेच के पैसा भरे। अगर डिटेन किया पुलिस ने या कोई ऑफिसर ने डिपार्टमेंट, कोई भी आर्टी डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर हमारा बैंड डिटेन करता है, पूरी जिम्मेदारी जब बुलाता है बैंड उसके ऊपर छोड़ दो ना। ये बैंड बोलता है अब जब बैंड में पड़े तब पता चला गया एक बैंड कितने में बनता है जब वो है ना। तो हमारे जैसे लोग है ना अभी तो थक गए हैं, क्योंकि बैंड जैसी हेरेसमेंट वाली चीज नहीं है देखी है। और जितने भी बैंड है छोटा बड़ा बहुत अच्छे बजाते हैं, मेरा बैंड ऐसा बजता है, ये अच्छा बजता है, ऐसा नहीं है, मैं देख लिया हूँ बहुत अच्छे बजाते हैं, सिर्फ साउंड का कम ज्यादा हो सकता है, जिसका उसका परफॉर्मेंस रहता है, दूसरा कुछ नहीं, परफॉर्मेंस बताते हैं। और दोस्तों अभी आ रही है होली, तो होली के बारे में सर अपने दोस्तों को अभी एडवांस में होली के सबको है ना शुभकामनाएं सुब्रज ग्रुप की तरफ से, और हम भी साथ में होली मनाएंगे या जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कुछ हो सकता है 3-4 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि सिडनी का दौरा फाइनल हो चुका है। बीमार होने के बाद में एक भी मेरा दौरा नहीं हुआ है, मेरा टूर नहीं हुआ है, और माल जैसे ही माल निकल जाता है यहाँ से
जहाज पहुंचने से पहले हमको वहां पहुंच जाना पड़ता है, वो एक बिजनेस का थेरेपी होता है, घूमने का शौक नहीं होता है किसी को। आप 2.5-2.5 लाख रुपया टिकट होता है रहने का खाने का सब, इतना चार्ज लगता है उसको। तो दोस्तों आपको पता ही होगा सर तो बिजी रहते हैं, अभी मार्च एंडिंग चल रहा है बिजनेस की वजह से, तो अभी जैसे उनका खत्म हो जाएगा वैसे आपके सामने वो जरूर आएंगे, जरूर वीडियो बनाएंगे और आपके पास में अच्छा सा इंफॉर्मेशन डालेंगे। और ऐसे पत्रकार आके हमारे आदिवासी समाज को या किसी समाज को बदनाम करना चाहते हैं, उसके लिए आप जरूर सब एक साथ जुड़े रहे और जुड़ो, और ऐसे लोगों को है ना आपने अंगन से निकाल डालो, ऐसा मेरा बोलना है, सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो पत्रकार आके डरा धमके रहे हैं या पैसा निकालने की कोशिश करता है कोई भी, तो उनके लिए आपको क्या बोलना चाहते हैं वो हमको कमेंट में बताना, और जरूर हम आपके लिए रात दिन खड़े हैं, वैसे हमारे लिए भी आप सपोर्ट बन के सपोर्ट दिखाओ तो हम जरूर आपके साथ में है रहेंगे कायम। और ऐसी शुभकामनाएं करते हैं हमारे शुभराज ग्रुप की तरफ से दिलीप भाई, और थैंक यू सबको, बाय बाय सबको, आदिवासी जय 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 जय।